अस्सलाम वालेकुम। चस्का विद मसाला में आज बन रहा है मैंगो केक, और वो भी सॉस पैन में। तो आइए आज की मज़ेदार मैंगो केक की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो केक बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है मैदा, ये मैंने लिया है 1 कप। चीनी मैंने ली है 1/3 कप, आप चाहें तो थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर लें। और कोई सा भी ऑयल ले लेंगे 1/4 कप। 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ले लेते हैं। इसके अलावा लेंगे 2 eggs और साथ हम लेंगे वनीला एसेंस। तो सबसे पहले हम ऑयल, शुगर और एग्स को बीट कर लेते हैं। आप चाहें तो ऑयल की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें अब मैं मैदा ऐड कर रही हूँ। मैंने एक आम लिया था और उसको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था, और उसमें से आधा आम की प्यूरी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, और साथ ही इसमें मैंने 1/4 कप दूध शामिल किया है। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड करेंगे। केक बनाने के लिए कोई सा भी आप सॉस पैन ले सकते हैं, और बटर पेपर लेंगे, वो इसमें नीचे रख देंगे और साइड्स को इसकी ग्रीस कर देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप थोड़ा सा मैदा इसके अंदर लगा सकते हैं नीचे की साइड पे, और उसके ऊपर आप ऑयल लगा दीजिएगा थोड़ा सा, तो केक बिल्कुल नहीं चिपकेगा। कोई भी थिक बेस का तवा आपके पास मौजूद हो उसको हम 5 मिनट्स के लिए प्री हीट करेंगे मीडियम फ्लेम पे। बिल्कुल हल्की आग के ऊपर अच्छे तरीके से कवर करके केक को 1 घंटे के लिए हम पकाएंगे। अगर आपके पास जो फ्राइंग पैन या सॉस पैन है जिसमें आप केक बना रहे हैं उसकी बेस अगर थिक हो तो हमें तवे की ज़रूरत नहीं है। तो तवा हमने इसी लिए रखा है ताकि केक हमारा नीचे से जले ना। केक को हमने टूथपिक से चेक कर लिया था, केक अंदर तक पक चुका है। अब बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट केक आप ओवन के बगैर सॉस पैन या फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं। अगर आपको मैंगो केक ना पसंद हो और आप कोई और फ्लेवर बनाना चाहते हैं, जैसे चॉकलेट फ्लेवर बनाना चाहते हैं, तो मैंगो की जगह आप 2 टेबलस्पून इसके अंदर कोको पाउडर डाल लीजिएगा, और सेम रेसिपी से आपका चॉकलेट केक तैयार हो जाएगा। अब हम 1 कप फ्रेश क्रीम ले लेंगे और उसको हम बीट कर लेंगे। मेरी क्रीम थिक इस वजह से लग रही है क्योंकि मैंने फ्रीज़र में रख दी थी। इसमें अब हम मैंगो प्यूरी डाल लेते हैं। जो हमने 1 आम की प्यूरी बना ली थी वो मैंने आधी रख ली थी, तो वो अब इसके अंदर हम यूज़ करेंगे। 1 टेबलस्पून अब इसके अंदर हम चीनी ऐड कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। केक काट के जो मैंने बीच में से केक क्रम्बल्स निकाले थे वो हमने ज़ाया नहीं करने, वो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं। केक बिल्कुल रेडी है, तो अब इसको हम 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे और फिर इसको हम फ्रिज में रख देंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये क्रीमी मैंगो केक की रेसिपी पसंद आई होगी। तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और अपनी पसंद का फ्रूट जो आपको फ्लेवर पसंद हो वो इसमें ऐड करके इसको ज़रूर बनाइएगा।